हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक और मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका ये गेम होगा स्टेडियम इन लखनऊ एंड अगर आपने आईपीएल देखा इन वेन्यूज पे आपको पता है, है, आपको पता है है मैं क्यों हंस रहा आपको वहां पे किस टाइप की बैटिंग ट्रैक थी बट मे बी उस टाइप की ट्रैक ना हो मैं आपको बता दूंगा आगे रिमेम्बर उसके पहले टू तो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब मेरा विन प्रिडिक्शन इस गेम के लिए ऑस्ट्रेलिया ही है क्योंकि वो आ रहे सिमिलर कंडीशन से जो चेन्नई में थी बट मे बी मे

मे बी थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो इन दर बट उसके अलावा वी आर एक्सपेक्टिंग क्लियर वेदर एन अड गेम सो नारी ऑन दिसंक ये है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड ना कि अभी बट इवन एट दिच रिपोर्ट कि क्या होगा इस ट्रैक पे वो बहुत ही ज्यादा क्रूशल है अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ज्यादातर जीते हैं बट इससे क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये ट्रैक रिले कर दिया गया है आफ्टर द आईपीएल ये जो पूरा ट्रैक है इसको पूरी तरह से खुर दिया गया है यहां पे फ्रेश फ्रेश पिचेस पिचेस आउटले की गई हैं तो ये फ्रेश कैसे इफेक्ट कैसे करेंगी ट्रैक को ये देखने लायक रहेगा वैसे क्या होता है जब एक ट्रैक रिले होती है तो बैटिंग के लिए बेहतर बन जाती है एज ये जो ट्रैक था बैटिंग के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं था आप ओडिया यहाँ पे खेलोगे तो टू थर्टी नहीं बनने थे एज आईपीएल में आप देख रहे थे कि सौ एक सौ दस भी मुश्किल से क्रॉस हो रहे थे इस ट्रैक पे So, एक बहुत ही डिफिकल्ट ट्रैक था टू तो बैट ऑन आपको यह सुनना है ड्यूरिंग पिच रिपोर्ट कि क्या पिच में वो फर्क आया है बट वेट फॉर द प्री टॉस रिपोर्ट अगर हम अज्यूम करके चले कि सेम कंडीशन है तो मैं आपको ऐसा कहूंगा कि यहाँ पे 250 फिफ्टी एक विनिंग स्कोर हो सकता है बट अगर कंडीशन अलग हैं, अगर वो सेम कंडीशन नहीं है तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा 300 320 वाला स्कोरिंग गेम जो हमें जनरली देखने को मिलना चाहिए ग्राउंड डायमेंशन तो सेम ही रहेंगे ग्राउंड सेम है तो जो कन्वेंशनल ग्राउंड डायमेंशन हमें देखने को मिलते हैं मोस्ट वेन्यू मीटर्स मीटर्स वन साइड साइड 78 ऑन अदर एंड पे जो स्क्वायर है अच्छा खासा लंबा है 69 नाइन सिक्सटी सेवन सो दैट इज द एक्सपेक्टेशन एज फार एज द पिच रिपोर्ट अब चलते हैं आगे की प्लेइंग इलेवें की बात की जाए फ्रॉम साउथ अफ्रीका में एक सिमिलर इलेवन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक जो चेंज हो सकता है अगर स्पिन इस ट्रैक पे एक्चुअली स्पिन है तो हो सकता है वो है, या क्वी एन इन तीनों में से एक को हटा के श्यामजी को ले आ जाए साइड लास्ट गेम में केशव महाराज खेले थे तो आई एम क्वाइट श्योर उनका स्लॉट तो बने रहना चाहिए फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया उनके पास स्क्वाड में कोई स्पिनर नहीं है रिजर्व में तनवीर सांगा बट आई डोंट थिंक वो खेलेंगे एंड यहाँ पे मार्कस टॉइनस एंड कैमरन ग्रीन के बीच की चॉइस है याद रखिए कि आईपीएल में होम ग्राउंड मार्कस टॉयनस का था यही होम ग्राउंड तो उनको कंडीशन की अच्छी आइडिया होनी चाहिए मे भी खेल जाए इस टीम में बट लेट्स क्या होता है मेरे हिसाब से तो चाहे ये होम ग्राउंड हो या नहीं आई थिंक

आई थिंक बहुत अच्छी शॉर्ट रेंज है एक अच्छे प्लेयर हैं बट काफी मैचअप्स हैं इनके ऑस्ट्रेलिया के सामने उन मैचअप्स को हम डिस्कस करेंगे आगे ओवरऑल एक अच्छी पिक है आपको कीपिंग से भी वैल्यू देंगे आप बोलेंगे कि की कीपिंग नहीं की उन्होंने लास्ट गेम बट वो इस वो इसलिए था फील्ड पे ही नहीं थे जनरली इनके रेगुलर कीपर क्विंटन टिकॉकी है अनलिस आप देखो कि टीम लिस्ट में क्लासन लिस्टेड है तो अलग बात है टेम्बा बबूमा आई थिंक एक ठीक ठाक चॉइस है टोटली पिच डिपेंडेंट है आप याद रखिए कि अभी के लिए हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक रिलेड पिच है तो पिच को उतना स्पिन नहीं मिलना चाहिए बट अगर पिच में वो स्पिन है तो फिर क्विंटन डिकॉक भी क्वेश्चनेबल पिक बन जाते हैं एज ऑफ स्पिन के सामने उनकी भी तकलीफें हैं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि अभी के लिए हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिसेंट बैटिंग कंडीशन होंगे अगर तो अगर पिच अलग रहा तो फिर ये जो सारी प्रोडिक्शन है उनको हमें बदलनी पड़ेगी तो टेम्बा बबूमा एक ठीक ठाक पिक है मैं नहीं पिक करूंगा एज इविन अ गुड पिच ऑस्ट्रेलिया के पेस बोलर्स के सामने इन्हें कुछ तकलीफें हो सकती है डेली के जो ग्राउंड में हमने उनसे बैटिंग देखी आई थिंक टोटली फैबुलस बैटिंग एंड डेफिनेटली अ गुड पिक पेस को भी अच्छा खेल लेते हैं अब चलते हैं एडिन माक्रम की तरफ बैटिंग फर्स्ट तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस भी बन जाते हैं बहुत ही स्मूथली खेला था इन द लास्ट गेम एंड अगर इस ट्रैक में कुछ होल्ड भी है तो इनकी ऑफ स्पिन यहाँ पे बिल्कुल काम आएंगी

ट्रैक स्लो हो या ट्रैक फास्ट हो आई थिंक एक बहुत अच्छी पिक ये बन के आएंगे इन दिस गेम एज इनका जो मैचअप है है जैम्पा जैम्पा को भी अगर आपको याद ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज में काफी मार खाई थी Zampa से इन्होंने सिर्फ फर्क ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे कंडीशन थोड़ी स्लोअर है तो फिर इन्हें पहले दस बॉल थोड़े संभाल के खेलने पड़ेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा रिमेम्बर टू यूज द माई मास्ट इलेवन लीडरबोर्ड यहाँ पे आपको मिल रहे हैं कुछ टॉप प्राइजेस आपको क्या करना है सिर्फ 20 से 30 टीम बनानी है जल्दी जाके उनके ग्रैंड लीग में Mm -hmm. आप जीत सकते हो टॉप प्राइजेस सो डोंट मिस आउट ऑन दिस चांस एंड चलते हैं डेविड मिलर की तरफ जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था बट स्लो ट्रैक्स पे इन्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सो टोटली अ पिच डिपेंडेंट कॉल बट मैचअप के हिसाब से ठीक ठाक पिक है माको मार्को काफी ट्रिकी पिक हो सकते हैं एज इस पिच पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि पेसर्स को कुछ हेल्प हो इनकी बैट की वैल्यू अच्छी हो सकती है यहाँ पे विद बैटिंग बट आई डोंट नो कि विद द बॉल इन्हें कुछ हेल्प या ऐसा कुछ मिलेगा यहाँ पे तो वो हिसाब से मे भी थोड़े से ट्रिकी पिक बन सकते हैं यहाँ पे अभी के लिए मेरे स्क्वाड में नहीं है बट इवन दो डेली काफी मूवमेंट मिला था इस बात का ध्यान रखिएगा और रभाड़ा राइट आर्म फास्ट और टॉप वैल्यू पे कहें एंड ये ऐसे टाइप के प्लेयर हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं लाइक स्टाक रबाड़ा जो पिच को टोटली आउट ऑफ द साइड डाल देते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि पिच पे क्या हो रहा है वो बस अपना काम कर जाते हैं आई थिंक एक बहुत अच्छी पिक ये भी बन सकते हैं पे जराइल मे मे भी भी खेले में भी ना खेले ना इस मुकाबले में अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर इन्हें खिलाना है इस गेम में बट आई थिंक लास्ट गेम में काफी अच्छा किया था लोअर एंड में आके इन्होंने विकेट्स भी लिए थे अंडर प्रेशर तो ऑल इन ऑल एक ठीक ठाक पिक कहूंगा इन्हें मैं प्रॉब्लम इनकी सिर्फ एक ही है कि बहुत एरेटिकली डालते हैं लाइन एंड लेंथ एंड काफी रन भी खाते हैं सो देखते हैं पोस्ट टॉस पे इन पे क्या डिसीजन लिया जाए लुंगी एनकी

वॉय इनके नंबर्स कहते हैं कि बोलिंग सेकंड ये कुछ खास नहीं करते मैंने जो देखा है टी में इनका जैसा काम है सेकंड बोलिंग में अंडर प्रेशर कभी कभार ये ज्यादा विकेट्स लेकर जाते हैं तो टोटली एक पिच बेस्ड कॉल रहेगा ये अभी के लिए आई एम ऑन होल्ड विथ हिम एंड सेम फॉर केशव महाराज इस ऑस्ट्रेलिया के सामने नंबर कुछ खास नहीं है इनके बट अगर पिच स्लो है तो फिर इनका काम बिल्कुल बन सकता है

हमने देखा इन ऑस्ट्रेलिया इन चेन्नई थोड़े से प्रॉब्लम हुए उन्हें ऑन द ट्रैक अप फ्रंट स्पेन तक बात पहुंची नहीं एज जल्दी आउट हो गए थे अब ये भी टोटली एक पिच डिपेंडेंट कॉल रहेंगे अगर वैसी स्लो पिच रही तो फिर मैंने नहीं पिक करूंगा बट अगर एक स्मूथ बैटिंग ट्रैक है तो फिर मेरे टीम में रहेंगे साउथ अफ्रीका के सामने काफी अच्छा खेला था इन्होंने स्टीव स्मिथ नॉट अ पिच डिपेंडेंट कॉल जिस टाइप के प्लेयर है अपना समय लेके खेलते हैं एंड आई थिंक एक काफी अच्छी पिक बन सकते हैं इस मुकाबले में तो अभी के लिए बिल्कुल मेरी बेस्ट टीम में रहेंगे मानस लबूस कैग ने याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के थर्ड स्पिनर यही है तो इनकेस बहुत स्लो ट्रैक है ये बॉल के साथ भी आपको काम करके दे सकते हैं एंड एंड ठीक ठाक लगे मुझे ये इन साउथ अफ्रीका तो आई थिंक एक डिसेंट पिक ये बन सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि टॉप ऑर्डर में कुछ विकेट्स जल्दी जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए ग्लेन मैक्सवेल सेकंड स्पिनर ऑफ द टीम काफी ओवर्स डालेंगे बैट के साथ वैल्यू देंगे एंड चाहे जिस भी टाइप की पिच हो ये मेरी टीम में डेफिनेटली रहेंगे इस मुकाबले में एलेक्स कैरी आई डोंट नो अगर आपको याद है कि नहीं वो लेट नाइंटीज में आउट हुए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एक काफी अच्छी पारी खेलो खेली थी इन्होंने बट आई डोंट नो कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी विद एंड क्या कर पाएंगे सो so अभी के लिए माई प्ले डोवर्ड फ्रॉम ह्योर मार्को स्टॉइनस आई एम होपिंग की खेलेंगे यहाँ पे खेलेंगे एंड अगर फिफ्थ बोलर होंगे तो फिर डेफिनेटली मेरी साइड में रहेंगे अगर सिक्स या सेवन बोलर है तो फिर मे बी जीएल में ही इन्हें रोटेट करूंगा मैं सेम वो कैमरन ग्रीन सिर्फ एक फर्क है इंडिया के सामने भी जैसी बोलिंग की कुछ खास थी सो आई डोन्ट थिंक की ज्यादा इन्हें ट्राई करूंगा एंड मोस्ट टीम्स मे बी पहले बोलिंग में कंपलशन पिक हो जाते हैं क्योंकि डेथ में ज्यादा डालेंगे सो टोटली एक टॉस पेस कॉल रहेगा इन पे एंडचेंज ट्रेंट लीडर बोर्ड यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं एक आई फोन इन दॉप प्राइजेस में आई फोन है तो इससे अच्छा मौका है तो बिल्कुल पार्टिस एक्सचेंज ट्रेंट वो एप क्यूकी ये टी डी एस एंड नो जी एस टी एप्लीकेशन म्यूचुअल स्टॉक आई थिंक डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे फॉमी एक जो एडवांटेज है इनकी वापस जैसे मैंने कहा दरवाडा की पिच को आउट ऑफ द इक्वेजन डाल देते हैं एक अच्छे खिलाड़ी है एंड साथ साथ में जो टॉप ऑर्डर है उनके सामने डोमिनेट कर सकते हैं विद बबूमा एंड डिकॉक तो मिचुअल स्टार्क जॉर्श हेजलवुड लास्ट गेम तो कुछ खास नहीं किया लाइन एंड लेंथ अडेप्ट की थी इन्होंने एंड वो हिसाब से ठीक ठाक uh, पिक बन सकते हैं अगर लखनऊ में सिमिलर कंडीशन हैं जैसे चेन्नई में थी तो वो हिसाब से बी हैंडफुल ऑन द स्ट्रैक टू हैंडल स्पेशली वेन ही इज बोलिंग सेकेंड अंडर अ प्रेशर चेज एडम जैम्पा इनके नंबर साउथ अफ्रीका के सामने बहुत खराब है बट याद रखिए कि ये दोनों टीम्स करेंटली फॉरन कंडीशन में मिलती है ये कंडीशन थोड़े डिफरेंट है एंड आई डोट थिंक कि मैं इन पे चांस लूंगा इन स्लोर कंडीशन एंड सामने काफी राइट हैंडर्स भी है दे so so आप देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप एंड फिर फिर चलेंगे बेस टीम की तरफ क्विन डिकॉक आउट हुए इस फॉर्मैट में जॉस हेजलबुट को सात बार सो so, अगर आपको जीएल में एक चांस लेना है ये बिल्कुल आपके लिए एक इंडिकेशन है एंड आउट हुए म्यूचुअल स्टाक को भी चार बार तो ये दोनों आएंगे साथ में टू ओपन द बोलिंग जो तीसरा मैचअप है वो मैक्सवेल के सामने है. तो अगर कोई तीसरा आएगा ओपनिंग करने तो वो होंगे मैक्सवेल तीन बार आउट कर चुके हैं एंड स्ट्राइक रेट भी बहुत खराब है सो क्विंटन डिकॉक मे बी द राइटिंग इज ऑन द वॉल लेट्स सी क्या होता है

तो बात करते हैं बेस्ट टीम की वी स्टार्ट विद द कीपिंग सेक्शन पहले पिक करेंगे हमारे सारे ऑब्वियस पिक्स क्लास जिस टाइप का फॉर्म है मैचअप से काफी अच्छा है तो बिल्कुल रहेंगे टीम में स्टीव स्मिथ एंड अदर ऑब्वियस पिक फ्रॉम दिस सेक्शन डेविड वॉर्नर के मैचअप हमने देखे एंड रैसी बेस्ड ऑन द पिच एक पिक रहेंगे बट फिर चलते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ एडन मारक्रम एंड ग्लेन मैक्सवेल दोनों यहाँ से टॉप एंड बिल्कुल रहेंगे साइड में बोलर्स की बात करें तो मिचुअल स्टाक जॉर्शु गीजो रबार्डा एडिम जैपा एंड केशव महाराज अगर खेलते हैं आई थिंक ये पिक्स भी स्ट्रेट फॉर्व है स्पेशली केशव मैं इसलिए यहाँ पे मैंशन कर रहा हूँ एज स्लो ट्रैक होगा तो बिल्कुल इन्हें हेल्प मिलेगी फ्रॉम द ट्रैक लुंगी एनगिडी ऑब्वियसली जो उनके मैचअप है वो हिसाब से एक अच्छे पिक बन जाते हैं एंड अगर स्लोर ट्रैक है वैसे भी आपको ज्यादा बोलर्स लगेंगे तो वो हिसाब से एनगिडी एक अच्छी पिक बन जाते हैं तो ये है मेरे आई थिंक जो लॉक पिक्स है बेस्ड ऑनबर्स एंड बेस्ड ऑन ट्रैक अब जो लास्ट पिक है आई थिंक विल बी वन बिटवीन डेविड बॉर्न एंड क्विंटन डिकॉक क्योंकि क्विंटन डिकॉक कीपिंग भी करेंगे तो वहां से आपको वैल्यू देंगे साथ साथ में हमें पता है कि क्विंट एन डिकॉक कैन अडेप्ट स्लाइटली बेटर वर्सेस डेविड वॉर्नर जो आल्सो स्टार्टिंग में अपना समय लेके खेलते हैं तो मैं कहूंगा एकदम एक 55 45 का पिक होगा नॉट मच टू चूज फ्रॉम अभी के लिए मैं क्विंट एन डिकॉक के साथ जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ इस कीपिंग वैल्यू बट मे बी यहाँ पे क्या अप्रोच लिया जा सकता है कि दोनों में से एक जो भी पहले बैटिंग करे थोड़ा सा सेफर बन जाते हैं एज जब आप पहले बैटिंग करते हो आप पे प्रेशर नहीं होता ऑफ द चेस सो वो हिसाब से मे बी दैट विल बी अप्रोच टू गो फॉर दैट फाइनल स्लॉट कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें आई थिंक एकदम स्ट्रेट फॉर मार्क्रम एंड ग्लेन मैक्सवेल बैट्स फर्स्ट एंड बोल जाएंगे कैप्टन मार्क्रम पहले बैटिंग करते हैं तो वो बन जाएंगे कैप्टन तो एज इस टाइप के ट्रैक पे आपको यही से वैल्यू मिलनी चाहिए बट कीप इन माइंड इफ इट्स अ फ्लैट ट्रैक आफ्टर द टॉस अगर वो कहते हैं रीलेट ट्रैक बिल्कुल फ्लैट है तो यहाँ पे आपको रैसी को भी लेना पड़ेगा

फिर जीएलसीड एड इन मार्क्रम एंड ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग सेकेंड एंड बोलिंग फर्स्ट एंडी एंड रबारा एंड एक जो सेफ पिक मुझे लग रहा है यहाँ से वो है स्टीव स्मिथ एंड मे बी इवन स्टीव मिटल स्टॉक इन बोथ सिशन आर काफी गुड थोड़ा अपना समय लेके खेलते हैं तो वो हिसाब से एक अच्छी पिक पे, पे बन जाते हैं तो ये मेरे सीवीसी ऑप्शन एक्सचेंज पे गेम अब तक लाइव नहीं हुआ है आप साइन अप कर सकते हैं कॉन्टेंट like जल्दी मिलेंगे थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड डू जॉइन अस एट द रेट फैंडी क्रिक प्रोन ट्विटर एंड टेलीग्रामी अपडेट्स सी यू ऑल